ओके तो गाइस आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कुछ टिकटॉक हैक्स और देखने वाले हैं क्या ये सब टिकटॉक हैक्स माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में वर्क करता है या नहीं। भाई आज ना मेरे पास काफी अच्छे अच्छे टिकटॉक हैक्स है बट वो सब देखेंगे भाई, रुको जरा सबर करो भाई, एक एक करके देखेंगे सबको। बट यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लो, और अभी तक अगर लाइक नहीं करा वीडियो पे भाई लाइक भी कर दो भाई, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है भाई। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में चलो कुछ फन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मतलब बेहतरीन चीज को लेके हम लोग शुरुआत करते हैं। तो भाई इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें आ जाना होगा खाली जगह पे। ओके तो अभी हमें यहाँ पे रखने हैं 4 फेंस गेट को। आई थिंक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या बनेगा, राइट? खैर अभी यहाँ पे कितना है, 5 ब्लॉक्स, मतलब यहाँ पे तो अब यहाँ पे भी 4 फेंस गेट को रखना होगा, ठीक है? और अब इसे आपस में जोड़ना होगा। ओके तो अभी मिडिल के जो ब्लॉक है उसको यहाँ से हटाना होगा और साइड के 2-2 करके मतलब ब्लॉक्स को हटाना होगा। ओके तो चलो ये काम तो हो गया है। अभी हमें करना ये है कि हमें मिडिल के जो 3 ब्लॉक्स है ना उसको हटाना होगा, और फिर अब यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे रखना होगा हमें रेडस्टोन ब्लॉक, और अभी यहाँ पे रख देना होगा ऐसे करके पावर रेल को। फिर इसके ऊपर रखना होगा हमें स्ट्रिंग्स को ताकि इसके ऊपर हम लोग कारपेट को बिछा सके। एक सेकंड रुको भाई, आई थिंक इन दोनों पे मतलब इन दोनों के ऊपर स्ट्रिंग्स को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई अगर इसके ऊपर हम लोग कारपेट को आसानी मतलब रखेंगे तो भाई आसानी से बिछा सकते हैं, ठीक है? मतलब दोनों जो कॉर्नर है ना उसके ऊपर भाई स्ट्रिंग्स को लगाने की कोई जरूरत नहीं, आसानी से वहां पे कारपेट को रख पाओ। और अभी हमें चाहिए एक स्ट्राइडर, वो भी बड़ा वाला। अबे यार तू काहे आ गया भाई, मैंने बोला बड़ा वाला, मतलब तेरा जो पप्पा चाचा जो भी हो उसको यहाँ पे बुला भाई, तेरे को यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। ओके तो चलो अभी फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ओके तो चलो भैया जी आ गए, और अभी इस पे लगाना होगा एक लैडर, सॉरी सैडल। ओके तो अभी हमें यहाँ पे रखना होगा कारपेट ताकि किसी को पता ही नहीं चले, कनों कर खबर भी ना हमें यहाँ पे एग्जैक्टली रखा क्या है। ओके तो चलो कारपेट लग चुका है, एंड नाउ आपको यहाँ के 3 ब्लॉक्स को हटाना होगा, ठीक है? फिर रखना होगा यहाँ पे एक स्लैब, और इसके ऊपर रखना होगा हमें रैबिट भैया जी को। फिर इसको रस्सी से बांधो और यहाँ पे टांग दो, फिर ब्लॉक के ऊपरी भाग में रखो एक स्लैब और इसके ऊपर ग्रास ब्लॉक दे दो ताकि यहाँ पे भी किसी को कानों कर खबर ना हो भाई यहाँ पे हमने रखा गया। खैर अभी सेम चीज यहाँ पे भी करना होगा। ओके तो गाइस सब कुछ रेडी है, अब बस हमें इस पे इनविजिबल पोर्शन को फेंकना होगा ताकि वो इनविजिबल हो जाए भाई, दिखे ना गायब भी हो जाए, और बस इस पे बैठो और मजे लो भाई। मैं देखूं भाई हम लोग स्विंग कर रहे हैं भाई, बड़ा मजा आ रहा है भाई, काफी कूल है भाई ये चीज भाई। बस यार ये रस्सी है ना एक ही जगह खड़ा है भाई, एक ही जगह रुका हुआ है, अगर ये भी मूव करता ना भाई कसम से भाई काफी कूल नजारा देखने को मिलता भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, इसमें मजा तो भाई आपको बहुत आने वाली है भाई, इसको आप डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, काफी कूल ये चीज है भाई। ओके तो चलो नेक्स्ट हमारा जो टिकटॉक है ना ये भी बहुत ही मस्त है भाई, बहुत ही फाड़ू चीज है भाई। तो वैसे तो हम सबको पता है कि अगर हम लोग आर्मर स्टैंड पे सारे आर्मर पहना दे और फिर उसको हम लोग कोशिश करें मतलब हेड पहनाने की तो हम लोग नाकाम रहेंगे, क्योंकि भाई हेड तो हम लोग पहना देंगे बट उसके साथ उसका जो टोपी है ना वो गायब हो जाएगा, और अगर हम लोग टोपी को पहनाएंगे तो भाई हेड गायब हो जाएगा। तो भाई कुल मिला के टोपी और हेड को आर्मर स्टैंड पे एक साथ पहना नहीं सकते, बट अभी हम लोग ऐसी चीज करने वाला है ना जिससे ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे रखना होगा 2 आर्मर स्टैंड को ऐसे करके, उसके बाद उनसे 4 ब्लॉक दूर मतलब आने के बाद यहाँ पे भी रखना होगा 2 आर्मर स्टैंड को। ओके तो चलो अभी इन पे आर्मर वगैरह पहना देते हैं, ठीक है? okay. इसको चलो गोल्ड का आर्मर पहना था, मतलब अलग अलग होगा तो भाई अच्छा लगेगा भाई, जैसा अच्छा मतलब अलग अलग लगेगा, ठीक है? और इसको और डिटेल में करने के लिए भाई इसको शॉर्ट दे देते हैं भाई, और अभी इन दोनों आर्मर स्टैंड को पहना देते हैं 2 हेड। ओके और इसके पीछे हमें रखना होगा 2 पिस्टन, रेडस्टोन ब्लॉक देकर उनको धक्का दो और फिर इनको तोड़ दो, फिर से इसके पीछे रखो पिस्टन, फिर से रेडस्टोन ब्लॉक देके इसको धक्का दो और इनको हटा दो, और अभी एक बार और भाई फिर से इसके पीछे रखो पिस्टन, फिर से रेडस्टोन ब्लॉक लगाओ और भाई उसे धक्का दो। चलो बस थोड़ा सा बाकी है, एक बार और अगर हम लोग धक्का देना तो भाई हो जाएगा भाई, तो पहले इनको हटाओ, अभी पिस्टन पिस्टन और रेडस्टोन ब्लॉक एंड बूम भाई। देखो भाई भाई देखो भाई ऐसा लग रहा है भाई कि मानो भाई स्टीव और क्रीपर दोनों आर्मर पहना हुआ है भाई। वैसे वैसे इसको अलग हेड पहना सकते हैं क्या? ओके तो ठीक से करना होगा तभी होगा भाई, हमसे तो ना हो पाएगा। बट यार ये चीज भाई काफी कमाल का है, दोनों क्यूट भी लग रहा है बहुत भाई। तो भाई कमेंट करके बोलना कि आपको ये चीज कैसी लगी। ओके तो गाइस आपको मैं बता दूं कि मैं फार्म्स के वीडियोस बहुत डालता हूँ, ठीक है? बहुत अपलोड करता हूँ। तो चलो इसी के साथ एक फार्म के टिकटॉक हैक तो नहीं कहूंगा बट ये इस चीज को भाई आप एपिक जरूर कह सकते हो, और इस चीज को भाई अपने सर्वाइवल मोड में आप बना भी सकते हो भाई। इससे रिलेटेड और भी चीजें बताऊंगा बट पहले इसको बना लेते हैं चलो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लेना होगा, ठीक है? फिर यहाँ पे रखो एक सॉल्ट सॉइल, फिर यहाँ पे रखो 3 ब्लॉक,
फिर यहाँ पे दो ब्लू आइस दे के नीचे के आइस को हटाओ, इसको कवर करो, यहाँ पे डालो लावा, तो ये बेसॉल्ट बन जाएगा। अभी इसको ऑटोमेटिक भी करना होगा ना, अभी इसको ऑटोमेटिक बनाना होगा, तभी तो ये एपिक होगा ना। और भाई इसके लिए इसको हटा के भाई वहाँ पे रखो एक पिस्टन को, फिर इसके पीछे पीछे के प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बढ़ा दो, फिर पिस्टन के पीछे रखो एक सॉलिड ब्लॉक, और फिर यहाँ पे रखो एक रेडस्टोन रिपीटर, और उसके ऑपोजिट साइड पे भी रखो एक रेडस्टोन रिपीटर, फिर दोनों को दो टिक पे कर दो, और यहाँ पे रखो दो दो करके रेडस्टोन डस्ट। अब यहाँ पे रखो रेडस्टोन टॉर्च और उसे हटाओ, तो इसे हटाओ और यहाँ रखो, ओके तो चलो हो गया भाई। अब यहाँ पे रखो रेडस्टोन डस्ट एंड बूम, देखो भाई ये ऐसे भाई बेसॉल्ट बनाते हुए भेजता रहेगा भाई, भेजता रहेगा। और इस फार्म से आप सिर्फ बेसॉल्ट ही नहीं पाओगे, मतलब ले नहीं पाओगे, इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे ना, तो भाई मतलब जहाँ पे सोल सॉयल है उसको हटा के वहाँ पे सॉलिड ब्लॉक रख देना, उसके बाद अपोजिट साइड पे मतलब एक ब्लॉक मतलब गैप रख के वहाँ पे अगर आप पानी रखोगे ना, तो भाई यहाँ से आप कॉबल स्टोन भी ले सकते हो भाई, कमाल की चीज है भाई, एपिक चीज है भाई। और भाई अगर आप इसको कवर करके भाई ऐसा करोगे ना भाई, मतलब भाई कमाल ही दिखेगा भाई, कहाँ से बंदों को पता ही नहीं चलेगा भाई कहाँ से बेसॉल्ट निकल के आ रहा है भाई। बट ये ना एक फिक्स्ड चीज है, एक टाइम के बाद ये रुक जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको तोड़ो तो ये ऑटोमेटिकली, अगर आप उसको तोड़ दोगे ना, मतलब कलेक्ट करते रहोगे ना, तो भाई ये तब तक रुकेगा नहीं जब तक आप रुकोगे नहीं, मतलब आप जितना चाहो यहाँ से तोड़ सकते हो, बेसॉल्ट ले सकते हो, ठीक है, मतलब वो रुकेगा ही नहीं भाई। तो है ना भाई कमाल का ये चीज भाई, हो गया हमारा बेसॉल्ट जनरेटर भाई। ओके तो ये चीज, अगला जो हम चीज करने वाले ना, अगला जो चीज हम लोग करने वाले भाई, उसके लिए भाई 1 लाख तो बनता है भाई, काफी कमाल का चीज है भाई। अगर आपको ये और भी बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब तो बनता है भाई, नीचे जाओ सब्सक्राइब बटन को फोड़ दो। खैर तो अभी यहाँ पे रखो कॉबलस्टोन, बस दिखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं भाई। और अभी कॉबलस्टोन के चारों दिशा के चार ब्लॉक को यहाँ से हटाओ, फिर सभी गड्ढे में आर्मर स्टैंड को डायगोनली रखना होगा, बिल्कुल ऐसे करके, फिर क्राउच एंड 1 2 3, मतलब उसका जो 3 नंबर पोज है ना, इन सभी को उसी पोज पे रख देना होगा, फिर इनको पकड़ा देना है स्टिक। अभी यहाँ पे रखना है 2 ब्लॉक, और यहाँ पे ग्रास ब्लॉक, अभी यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ पे, फिर यहाँ पे रखो 2 ब्लॉक, और अभी यहाँ पे रखना है ऐसे करके पिस्टन को, और पिस्टन सारे पिस्टन का जो फेस है ना, मतलब डायरेक्शन जो है ना, वो नीचे की ओर होगा। इसको और एफिशिएंट करने के लिए इसके ऊपर भी रखो 4 और पिस्टन को, और इन सब का भी डायरेक्शन जो है ना, वो नीचे की ओर होगा। फिर इनको हटाओ, और अभी इन चारों को एक्टिव करो पहले, और अभी नीचे के 4 पिस्टन को एक्टिव करो, तो इससे सारे गड्ढे भर जाएंगे, वो भी डर्ट से, और किसी को पता भी नहीं चलेगा भाई हमने यहाँ पे करा क्या है। अभी यहाँ पे रखो एक आर्मर स्टैंड, और इसको पकड़ा देना है एक स्पाई ग्लास, और भाई इसको ठीक जगह पे बैठाने के लिए भाई फिशिंग रॉड से ही इसको ऊपर उछाल के नीचे गिराना होगा भाई। इस चीज को ना पिस्टन से कर नहीं पाएंगे हम लोग भाई, इसको करने के लिए भाई फिशिंग रॉड से ही करना होगा भाई, जो भी करना होगा। 2000 years ओके, तो भाई कई साल के बाद, मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, सच बोल रहा हूँ, इसको सही जगह पे लाने के लिए भाई बहुत टाइम लगा है भाई, बट कोई नहीं, खैर चलो भाई एकदम परफेक्ट जगह पे आ तो चुका है भाई, देख सकते हो। अभी बस हमें फेंकना होगा इनविजिबल पोशन। अबे यार ये क्या कर लिया भाई, अपने आप को गायब नहीं करना था भाई। ओके तो चलो अभी इनको गायब करते हैं, बूम गाइस हमारा टेलीस्कोप बनकर तैयार है भाई। देखो भाई यार ये कितना ऑसम लग रहा है भाई, तो अब बोलो भाई आपको ये चीज कैसी लगी भाई, अच्छी लगी ना भाई, झूठ मत बोलो भाई, लाइक करके बोल दो भाई कैसा लगा भाई, कमेंट करके बोल दो, लाइक करके क्यों बोल रहा हूँ भाई, कमेंट करके बोल दो भाई आपको ये चीज कैसी लगी भाई। तो इस चीज को आप डेकोरेशन के लिए कर सकते हो भाई, एकदम ओपी लगेगा भाई डेकोरेशन के लिए अगर आप कर सकते हो, और भाई फ्रेंड्स को इम्प्रेस भी कर सकते हो इस चीज से। तो यार आप कमेंट करके मुझे बोलना कि इसमें से आपको कौन सा वाला टिकटॉक हैक सबसे फाड़ू लगा, और भी मैं बहुत ओपी ओपी टिकटॉक हैक्स के बारे में भाई बताना चाहता था, बट यार टाइम नहीं है, टाइम खत्म हो चुका है। खैर कोई नहीं भाई, वो सब भी आएगा अगले वीडियो के अंदर भाई। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे और भी माइनक्राफ्ट से रिलेटेड ओपी चीजें देखना है, तो वेट मत करो, नीचे जाओ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तोड़ दो, बस काम हो गया आपका, ताकि वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो मिलता हूँ ऐसे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।